एड्रेस करने के लिए बुलाई गई है। अभी शाकिर भाई ने बताया कि जो आदमी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चेतन की, उसका कहना यह है कि वो पागल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो पागल है। लेकिन वो आम पागल नहीं है। देखिए, आम पागल और खास पागल में एक खास फर्क होता है। आप सुनते होंगे अमेरिका में जो है वो लोगों के ऊपर जुनून सवार होता है और वो गोलियां चलाते हैं, तो उस खबर में इंग्लिश में लिखा होता है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब यह कि जब वो गोली चलाता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, भेदभाव नहीं करता। वो पागल है। और ऐसे पागल को भी वही सजा मिलती है जो कि किसी गैर पागल को मिली, इसलिए कि मौत की सजा मौत है। लेकिन ये खास पागल है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है, जो भेदभाव करता है। तो सवाल यह है कि इस आदमी को, इस खास पागल को पागल किसने बनाया? और इस तरह के जो दूसरे खास पागल हमारे रक्षक बने हुए हैं और किसी भी समय भक्षक बन सकते हैं, उनको हम भक्षक बनने से कैसे रोक सकते हैं? ये मैं समझता हूं कि आज जो है वो चर्चा का विषय होना चाहिए कि एक रक्षक जो भक्षक किसने बनाया और आइंदा जो है वो रक्षकों को भक्षक बनने से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, ये बात तो कही गई के साहब इनको भेदभाव करने का जो मापदंड है वो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, यानी आपको अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करना हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जिक्र हमारे कई दोस्तों ने किया कि आप लिबास से पकड़ लो, ये बोलता है लिबास की भी जरूरत नहीं, मैं तो चेहरे से पहचान लूंगा। ठीक है भाई, आप जैसे चाहो अपने दुश्मन को पहचानो, लेकिन आप उसके साथ जो चाहो सुलूक करो। आपको पिस्तौल दी गई है मुसाफिरों की हिफाजत के लिए, आप उस पिस्तौल का इस्तेमाल करो मुसाफिरों को मारने के लिए। तो अगर कोई ऐसा पागल है तो उसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, और मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों का दिमाग उसी वक्त दुरुस्त होगा जबकि ऐसे सीरियल किलर्स को सरेआम फांसी दी जाए। अदालत को जो है वो बहुत, इसमें इस केस में कोई बड़े सबूत की जरूरत नहीं है, वीडियो मौजूद है। अदालत जो है वो जब तक कि इस तरह का डिटरेंट इस्तेमाल नहीं करेगी उस वक्त तक जो है ये रुकने वाली चीज नहीं। जब तक कि इनको लगेगा कि हम चार लोगों को मार दें, तीन थे पहले अभी चार की खबर है, और चार नारे लगा दें तो हमको संरक्षण मिल जाएगा। तो जब तक कि इनको यह लगेगा कि अगर हमने किसी की जान ली तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमने किसी को जान दी नहीं है इसलिए उसकी जान ले नहीं सकते, उस वक्त तक ये लोग रुकने वाले नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक्सेप्शनल केसेस में सही, अगर कोई किसी की जान ले लेता है तो दूसरों को, दूसरे मासूम लोगों को बचाने के लिए ऐसे डिटरेंट, ऐसे आदमी को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन लोग बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि वो अच्छी बात नहीं बोलते, नहीं वो अच्छी बात भी बोलते। जिस दिन यह मामला हुआ उस दिन वो जो है अपने एनडीए के लोगों से कह रहे थे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है,
आप अपनी मुसलमान बहनों के हाथ में जाकर के रक्षा बंधन बांधिए, उनसे वादा कीजिए कि वो जो है वो आप उनकी रक्षा करेंगे। अगर इनका बात मान करके कोई उन लोगों की फैमिली के पास पहुंच गया रक्षाबंधन का राखी बांधने, तो उसका क्या होगा? देखिए, रक्षा जो है वो राखी बांधने से नहीं होती है। रक्षा अत्याचारी लोगों को, जालिमों को सजा देने से होती है। इसीलिए जेलें बनी हुई है, इसीलिए अदालत बनी हुई है। तो रक्षा जो है वो बोलने की चीज नहीं है, करने की चीज है। तो दोस्तों, मेरा पहला डिमांड ये है कि इस आदमी को जिसने के खुल्ला खुल्ला चार लोगों को मारा है, बल्कि पांच लोगों को मारा है, उसमें उसका अपना अफसर भी है, मेरी हमदर्दियां जितनी उन मुसाफिरों के साथ है उतनी ही उस अफसर के साथ है। मैं अपनी हमदर्दी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सारे लोग इंसान हैं। आप किसी भी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। जितना बड़ा गुनाह एक मुसाफिर को मारने का, उतना ही बड़ा गुनाह जो है वो अपने अफसर को मारने का। तो दोस्तों, ये तो पहली चीज है। अब हम लोग एक बात, अभी मैं वो पढ़ रहा था, वो बोल के मैं उसके ऊपर जाऊंगा, इससे पहले कि ये चिट्ठी दे दें मेवाज की तरफ। एक पोस्ट में लिखा था कि मोदी जी जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, लेकिन अब ट्रेन में बुलेट चलवा रहे हैं। तो ये इनकी 9 साल की उपलब्धि है कि इन्होंने ऐसे नफरत फैलाई। माफ कीजिए, आप लोगों को मीडिया नहीं है, लेकिन मीडिया की मदद से कि आज जो है वो रक्षक और भक्षक का फर्क खत्म हो गया। मेवात का मामला ऐसा है दोस्तों के मेवात में जो दंगा हुआ है उसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं। मेवात का दंगा मेवात से गुरुग्राम आ गया। गुरुग्राम के जो बीजेपी के एमपी हैं, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सा धार्मिक जुलूस है जिसके अंदर लोग लाठी लेकर के और तलवारें लेकर के जाते हैं। ये बीजेपी का मंत्री कह रहा है और लोकल एमपी कह रहा है, और इसका पता लगाओ कि उनको किसने दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मोनू मानेसर के तालुक से, देखिए मोनू मानेसर के ऊपर एफआईआर दर्ज है 6 महीने से, हरियाणा की हुकूमत उसको प्रोटेक्ट कर रही है, संरक्षण दे रही है, और उस संरक्षण का नतीजा है कि उसने ये फसाद करा है। अगर ये लोग उसको पकड़वा देते और वो आज राजस्थान की जेल में होता जुनेद और नासिर के केस में, तो हो सकता है ये फसाद नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप जो है वो दंगाइयों को, जुनेद और नासिर को जिंदा जलाया गया गाड़ी में, आप बोलिए क्या करेंगे ऐसे ऐसे लोगों को? आपने उनको मारा, आप उनको पुलिस स्टेशन में ले गए, पुलिस ने कहा कि हमारे पास मत लाओ, आप उसको वीराने में ले गए, दोनों को जिंदा जला दिया। ऐसे लोगों के साथ आप क्या सुलूक करेंगे? अगर उन लोगों को अभी तक फांसी दी गई होती तो ये दंगा नहीं होता। अगर मोनू मानेसर जेल में होता तो ये दंगा नहीं होता। अगर हम ये इन दंगों को रोकना चाहते हैं तो दोस्तों, कुछ सख्त कदम सरकार को और अदालत को और न्यायालय को उठाना पड़ेगा, वरना ये नहीं रुकेंगे। अभी हमारी बहन बता रही थी कि उस दंगों में जो है 6 लोग मरे। एक का जिक्र इमाम साहब का जिक्र किया इन्होंने, 5 दूसरे लोग मरे, उसमें 2 होमगार्ड्स के लोग भी थे। उन सब लोगों से मेरी हमदर्दी है। वो सब नौजवान हैं, उनके माँ बाप ने उनको जो है वो इस तरह से मारने के लिए नहीं पैदा किया था, इस तरह से मरने के लिए नहीं पैदा किया था, लेकिन उनको भड़का के जो है वो उनसे दंगा करवाया गया और क्रॉस फायरिंग में जो है वो नौजवानी में चले गए। एक शायर होते थे, एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, राहत इंदौरी, अभी कोरोना के जमाने में उनका इंतकाल हो गया। तो मेवात का दंगा यही बताता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जर, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जर में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
तो दोस्तों ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ये जो मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, ये जो चेतन सिंह जैसे लोग हैं, जो कि इक्का दुक्का वाक्य से पूरे समाज को जो है वो मायूस कर देते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, संवेदनहीन कर देते हैं, बेहिस कर देते हैं, ताकि किसी जुल्म का कोई असर ना हो, इंसान किसी जुल्म का प्रतिकार ना करे। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है, अब जो है वो पैमाना लबरेज हो गया है और हम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो उनकी सरकार है उनको ये बताना चाहते हैं कि 2024 दूर नहीं है। और राहत इंदौरी का एक शेर है कि जो आज साहब मसनद है वो कल नहीं होंगे। जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं साहब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़ी है, ये मकान खाली करना पड़ेगा। और जब ये मकान खाली करके जाएंगे तो कहां जाएंगे और लोग उनका क्या करेंगे, जब मैं वो सोचता हूं तो कुछ को खौफ होता है, लेकिन दुआ करता हूं कि वो हो। तो दोस्तों आखिरी बात यही है कि इन दंगों के लिए जो मेवात में उस हमले के लिए जो गुरुग्राम में हुआ है और इस गोलाबारी के लिए जो यहां पालघर के पास हुई है, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की बातें फिर कभी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।